क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति आपको इस तरह से दिख रही होगी, इसमें दिया है कि ए बी सी तीनों क्या है, समांतर है। यहाँ पर हमारा ए बी और सी ये तीनों जो रेखाएं है वो क्या है, समांतर है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एल और एम दो तिर्यक रेखाएं, ये एल और एम जो है वो दो तिर्यक रेखाएं हैं, इस तरह से आपको आकृति में दिख रहा होगा। ठीक है, तिर्यक रेखा मैंने बताया था कि यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा अलग अलग बिंदु पर काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये दोनों रेखाएं वो काट रही है, तो इस तरह से ये तिर्यक रेखाएं हो गई। तो यदि हमको दिया है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये एल तिर्यक रेखा के लिए बोल रहा है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है, ये एल तिर्यक रेखा के लिए दिया गया है। यहाँ पर पी ये जो पॉइंट है पी और ये जो पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर, यदि ये बराबर है तो ये भी बराबर है, पी क्यू बराबर है तो क्यू आर भी बराबर है। ठीक है, ये हमको कंडीशन दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि ओ एन और एन एस भी क्या बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने गुणधर्म में पढ़ा है कि तीन समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो उसमें क्या होता है कि समान अंतःखंड काटती है, हमने पढ़ा है। तो यदि एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काट रही है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी, ये आपको रीजन में लिखना है। ठीक है, आपको आंसर आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। ठीक है, आपको हल में इस तरह से लिखना है, हाँ ओ एन बराबर है एनएस के, रीजन आपको कारण इस तरह से लिख के आपको कारण लिखना होगा जो कि अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है बी सी के, ये समांतर है ए बी के और ई रेखा खंड ए डी का मध्य बिंदु है, तब क्या ए बी ई एफ और डी सी समांतर होंगे और क्यों। ठीक है, आपको डायग्राम इस तरह से दिया है, ये तीन रेखाएं दी हुई है, इस तरह से बना हुआ है आकृति। यहाँ पर आपका नाम है डी सी ई एफ ए बी, इस तरह से आपको आकृति दी गई है। ठीक है, आपका सबसे पहला कंडीशन ये बोला है, सबसे पहले तो यहाँ बोला है कि ए बी बी सी समांतर है, ये समांतर है, ई एफ और ए बी भी समांतर हो गए, ई रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, ये ए डी का मध्य बिंदु हो गया ई। ठीक है, तब ए बी ई एफ और डी सी तीनों समांतर होंगे। ठीक है, तो ये आपने भी पढ़ा है कि एक रेखा के समांतर खींची गई दो सरल रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है, तो ये इस कारण में आ जाएगा, आपको लिखना है हाँ। और जो मैंने अभी कारण बताया कि एक रेखाखंड के समांतर खींची गई दो रेखाखंड भी परस्पर समांतर होती है, ये रीजन देना है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्या एफ रेखाखंड सी डी का मध्य बिंदु है, जो ये एफ रेखाखंड है वो सी डी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये जो ए डी है और ये सी डी है वो तिर्यक रेखा है। अब कैसे कहेंगे तिर्यक रेखा, चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं हम इस तरह से, ये इस तरह से देखिए आपको तिर्यक रेखा जो अभी ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था कि एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटा गया अंतःखंड पर समान होता है, तो दूसरे तिर्यक रेखा के द्वारा भी काटा गया अंतःखंड समान होगा, तो यहाँ पर सेम रीजन यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, दी गई आकृति में एल एम एन तीनों समांतर दिया गया है, तो क्या इनके अंतःखंडों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, आकृति आपको इसी फॉर्म में दिख रही होगी, यहाँ पर नाम बस चेंज है ए बी सी और यहाँ पर आकृति है आपका डी ई एफ, इस तरह से आकृति सेम दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका एल एम एन, तो आपको पूछ रहा है कि अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है, तो आपने पढ़ा है कि तीन सरल रेखाओं के को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक तिर्यक रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड का जो अनुपात होता है वही दूसरी तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखंड का अनुपात भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही रेखाओं के अंतःखंड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यही रीजन आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है, यदि डी ए सी बी और ओ एम सभी रेखाखंड ए बी पर लंब है, डी ए सी बी ओ एम सभी एक रेखाखंड ए बी पर लंब है। ठीक है, जहां ओ रेखाखंड ए सी
व डी बी रेखाखंड ए सी और डी बी का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब दो रेखाखंड किसी बिंदु पर काटती है तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, काटना, काट रही है एक दूसरे को यहाँ पर, तो इस बिंदु को हमने क्या कहा है, प्रतिच्छेद बिंदु कहा है। ठीक है, उसके बाद आगे दिया हमको ओ ए बराबर 2.4। ओ ए, ये ओ ए का जो मान है वो 2.4 सेंटीमीटर है। उसी तरह ओ सी का मान हमको भी दे दिया है 3.6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है पहला जो हम क्वेश्चन दिया है ए एम बटे बी एम का मान क्या होगा। ये ए एम बटे बी एम का मान कैसे होगा, अब ये देखिए ये एक रेखाखंड पर है। ठीक है, तो ये बटे में कैसे चलेंगे, तो हमने गुणधर्म में पढ़ा हुआ है कि एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखा परस्पर समांतर होती है, ये हमने पढ़ा है, है ना। तो जब आप लंब डाल रहे हैं तो वो उसको क्या करेगा, दो भागों में समान भागों में बांट देता है। ठीक है, जब भी आप किसी रेखाखंड पर लंब डालते हैं तो वो उस रेखा को दो समान भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ए एम बटे बी एम इस तरह से। ठीक है, उनका जो अनुपात होता है वो इस अनुपात में लिखा जाता है, ए एम बटे बी एम। ठीक है, इस तरह से हो गया, तो ये इसके लिए यहाँ पर लिखा गया। अब हमने लंब डाला था ओ एम। ठीक है, अब चूंकि मैंने अभी आपको कहा कि जब रेखाखंड पर, किसी रेखाखंड पर जब हम लंब डालते हैं तो ये जो लंब रेखाखंड है वो इस रेखाखंड को दो भागों में बांटती है, यानी कि अनुपात में उसको लिखा जाता है। ठीक है, अनुपात में बांट देती है उसको, तो वही यही कंडीशन एसी के लिए भी हो रहा है। ये जो एसी है ये यहाँ पर यदि ओ काट रही है तो ये ओ जो बिंदु है वो भी तो इस एसी रेखाखंड पर आ रही है ना, है ना। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होगा, जब इसके लिए लागू हो रहा है तो इसके लिए भी यही लागू होगा कि यहाँ पर भी जो रेखाखंड है उसको ओ बिंदु जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर भी इसको अनुपात में लिखना होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ए ओ या ओ ए जो भी आपको लिखना है ना, ओ ए बटे ओ सी इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, एक रेखाखंड को जब इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो दूसरे रेखाखंड पर भी ये सेम कंडीशन लागू होता है, तो आप इस तरह से लिखोगे ओ ए बटे ओ सी। ठीक है, चिकू हमको यहाँ पर नाम दे दिया है, सॉरी मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से दिया है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, काटा नहीं है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दशमलव वाला हल करेंगे तो आपको क्या करना है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आपको क्या करना रहता है, दशमलव हटाना होता है, तो दशमलव के नीचे एक एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के नीचे एक और एक अंक है। कैसे हटाया मैंने, दशमलव था, दशमलव के नीचे एक लिखा, एक अंक है तो एक जीरो लगाया। ठीक है, ये इसके लिए था, 3.6 के लिए था। फिर ये ऊपर वाला पद, तो जैसे दशमलव हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी इसके बटे में लिखना था तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब चूंकि यहाँ पर गुणा नहीं लगाते तो ये गलत हो जाता है, इसलिए हमको यहाँ पर गुणा का निशान लगाना है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आगे 24/36। ठीक है, 12 के पारे से काट देंगे, 12 2 24, 12 3 36, तो हमारा जो आंसर है अनुपात में कितना आ गया, 2:3। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा भी था कि उसे समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, बांटती है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमको बोल रहा है यदि बी ओ बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी ओ, ये जो बी ओ का मान हमको दिया है कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो डी ओ का मान कितना होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, बी ओ का मान 3 सेंटीमीटर है तो डी ओ का मान कितना होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने किया है यहाँ पर भी सेम हम वही करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर लिखा था ए एम बटे बी एम। ठीक है, ये अभी जैसे हमने लिखा ओ बी और यहाँ पर ओ डी, ये चेंज किया मैंने, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी एम बटे ए एम हो जाएगा।
ठीक है, हमारा पॉइंट यहाँ पर बी से ले रहे हैं, हमने ओ भी पहले लिखा है तो यहाँ पर बी भी बी पॉइंट को पहले लिया जाएगा। बी बिंदु से चालू करें बी ओ, तो यहाँ पर भी बी एम, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। गलत हो जाएगा यदि आप ए से ले रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका पॉइंट जहां से चालू हो रहा है आपको दोनों ही मान उसी पॉइंट पर ही लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि ए एम बटे बी एम लिखा हुआ था जिसका मान आपका आया था 2/3, ए एम बटे बी एम का। अभी हमारा क्या हो गया, ये पलट गया, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। बी ओ का मान हमको दिया है 3 सेंटीमीटर, बी ओ का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब दो परिमेय संख्या है उसके बीच बराबर का निशान होता है तो हमें क्या करना होता है, तिर्यक गुणा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच बराबर का निशान है तो हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या का अगले वाले पक्ष के नीचे वाले पद से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा 3 × DO = 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर डी ओ का हमको मान निकालना है, ठीक है, जो 3 × में दिया है वो कहाँ चले जाएगा, भाग में, ठीक है। तो इस तरह से 2 × 3/3 भाग में चले गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे डी ओ का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 में दिया था, 2 प्रश्न दिए हुए थे। सबसे पहले आपको बोला था कि ए एम बटे बी एम का मान निकालिए, ठीक है। तो वहां पर पॉइंट ए से चालू हो रहा था तो हमने ए से लिया था, ए ओ ओ सी लिया था, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट बी के लिए बोल रहा था तो हमने बी से ही स्टार्ट किया, यहाँ पर बी एम बटे ए एम यहाँ पर पलट देना है, ठीक है। तभी हमारा बी ओ और ओ डी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर